नमस्कार मैं प्रिया आज है चार जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में अब पीक आवर में वाहनों की जांच के बजाय जाम हटाएगी ट्रैफिक पुलिस बिहार से राज्यसभा की पांचों सीट पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन नवादा में स्कूल खोल सकते हैं सोनू सूद बिहार में मिले कोविड 19 के एक्टिव मामलों की संख्या 50 के पार बिहार में एन कमांडो चायवाला आया चर्चा में अब चले बढ़ते हैं बिहार की पच्चीस बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में अब पीक आवर में वाहनों की जांच के बजाय जाम हटाएगी ट्रैफिक पुलिस बिहार की ट्रैफिक पुलिस अब जाम हटाने का काम करने वाली है ये काम सभी ट्रैफिक पुलिस व्यस्त समय में करेगी यानी कि अब ट्रैफिक पुलिस सुबह नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे और शाम पांच से साढ़े आठ बजे के बीच का समय ट्रैफिक खाली करवाने का काम करने वाली है क्योंकि काफी लंबे समय से यह देखा गया है कि पीक आवर में भी यातायात पुलिस के जवान जाम हटाने के बजाय वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहते हैं लिहाजा एस ट्रैफिक ने व्यस्त समय में यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सिर्फ जाम हटाने को कहा है जिसके बाद ही अब यातायात पुलिस व्यस्त समय को छोड़कर बाकी के वक्त में गाड़ियों की चेकिंग करेगी हालांकि स्कूलों की छुट्टी खत्म होने के बाद दोपहर के समय में भी जाम लगने की आशंका है ऐसे में उस भी जवानों के सामने जाम को काबू करना एक बड़ी चुनौती होगी बिहार से राज्यसभा की पांचों सीटों पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन बिहार की पांच सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए हाल ही में नामांकन का काम हुआ था जिसके बाद अब राज्यसभा की पांचों सीट पर बीते दिन निर्विरोध निर्वाचन हो गया जिसके तहत इस शुक्रवार को राजद के मीसा भारती और फैयाज अहमद सहित एनडीए की तरफ से भाजपा के सतीश चंद्र दुबे और शंभु शरण पटेल और जदयू के खीरू महतो के निर्वाचन की घोषणा की गयी साथ ही इस दौरान सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिया गया राजद के दोनों नवनिर्वाचित मीसा भारती और फैयाज अहमद ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के साथ आकर अपना प्रमाण पत्र लिया वहीं भाजपा के पटेल और दुबे के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पहुंचे थे इस दौरान ही सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन पर संजय जायसवाल ने खुशी जताते हुए सीएम नीतीश का धन्यवाद किया वहीं राजद के नेताओं ने भी आपसी समन्वय से निर्विरोध निर्वाचन पर हर्ष जताया आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की रमेश चंद्र झा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई वो बिहार के एक स्वतंत्र सेनानी होने के साथ साथ हिंदी के कवि उपन्यासकार और पत्रकार भी थे बिहार राज्य के चंपारण जिले का फुलवरिया गाँव उनकी जन्म है उनकी कविताओं कहानियों और गजलों में जहाँ एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर है वही दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्षो की भी अभिव्यक्ति है आम लोगों के जीवन का संघर्ष उनके सपने और उनकी उम्मीदें रमेश चंद्र झा कविताओं का, का मुख्य स्वर है बिहार में तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून। बिहार के कई जिलों में जहाँ एक तरफ तपती धूप का एहसास हो रहा है वहीं दूसरी तरफ बिहार में मॉनसून भी तेज गति से बढ़ रहा है जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जल्द ही बारिश का मंजर देखने को मिलने वाला है मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल के उत्तर पश्चिम की खाड़ी उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों से होते हुए मिजोरम मणिपुर और नागालैंड के अधिकांश भागों में पहुंच गया है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के पूर्णिया जिले में मानसून का प्रवेश तेरह से पंद्रह जून के बीच होगा इसके बाद पूरे राज्य में मानसून की मजबूत स्थिति बने होने के साथ अच्छी बारिश के आसार है फिलहाल बिहार पश्चिम बंगाल असम होते हुए एक ट्रफ रेखा और चक्रवात परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 15 जिलों में बारिश के आसार है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एनईआरएफ रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी गुवाहाटी ने निकाली रिक्तियां उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे रेलवे भर्ती बोर्ड गुवाहाटी ने अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 5,636 पद पर आवेदन की मांग की है वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई टी, आई, टी प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख तीस जून दो तक आधिकारिक वेबसाइट एन पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यू से भी जाकर ले सकते हैं नवादा में स्कूल खोल सकते हैं सूद हाल ही में चार हाथ और चार पैर वाली बच्ची के लिए मसीहा बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद नवादा जिला वासियों के लिए जल्द ही एक सौगात दे सकते हैं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सोनू सूद जल्द ही बिहार के नवादा जिले में स्कूल और अस्पताल खोल सकते हैं उन्होंने नवादा से मुंबई गए सौर पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि सह भाजपा के वार्सलीगंज प्रखंड अध्यक्ष दिलीप रावत के सामने ये प्रस्ताव रखा है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सारी दशा दिशा को समझने और नवादा की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पर गहन चर्चा करने के बाद सोनू सूद ने सहज ये प्रस्ताव रखा है की यदि नवादा जैसे इलाके उचित स्थान पर जमीन की उपलब्धता हो जाए तो एक संपूर्ण संसाधन युक्त स्कूल और अस्पताल खोलने की प्रबल इच्छा है बिहार में यहां महिलाओं को मिलेगी पिंक टॉयलेट की सुविधा बिहार की राजधानी पटना में अब मार्केट प्लेस पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की समस्या दूर होने वाली है इसके लिए ही जल्द ही पटना में मोबाइल पिंक टॉयलेट की सुविधा शुरू होने वाली है ये टॉयलेट पूरी तरीके से महिलाओं के जिम्मे होगी इस दौरान ही जलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए मानव बल के साथ गाड़ी और सामान उपलब्ध करवाया जाएगा साथ ही अब कुत्तों से बचाने के लिए भी बेखौफ कुत्तों को पकड़ने के लिए दो डॉग कैचर भी खरीदे जा रहे हैं इस दौरान ही अगर सफाई कर्मी अपने ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं तो भी कार्रवाई होगी बीते दिनों ही मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में लगभग पांच घंटे तक चली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पहली बार सत्तर प्रस्ताव पर चर्चा हुई इनमें तीन प्रस्ताव को छोड़कर बाकी को स्वीकृत कर दिया गया है बिहार की मछलियां होंगी अब स्वस्थ बिहार की मछलियां और ज्यादा स्वस्थ होने वाली है क्योंकि इन मछलियों को अब एक खास चारा दिए जाने की तैयारी हो रही है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के चर्चित लीची अब किसानों को दोहरा लाभ देगी लीची के फल के अलावा उसके बीज के भी अब दाम मिलने वाले हैं हाल ही में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के, विश्व के वैज्ञानिकों के शोध की सफलता के कारण जिन्होंने लीची की गुठली से मछलियों के लिए चारा बनाने में सफलता पाई है उत्तर बिहार में मत्स्य पालन में काफी वृद्धि हुई है इससे मछली चारे की मांग के साथ कीमत भी बढ़ी है दाम कम होने के साथ पौष्टिक चारा मछली पालकों को हो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर आश्री श्रीवास्तव के निर्देश पर अनुसंधान की शुरुआत की गई है बिहार में मिले कोविड 19 मरीज के बाद एक्टिव मामलों की संख्या 50 के पार देश में कोविड 19 के मामलों में उछाल देखने को मिला है वहीं बिहार के बाद देश भर में कोविड 19 के मामलों में उछाल देखने को मिला है वहीं बिहार की बात करें तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार में कोविड 19 के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर पंद्रह मरीजों की पुष्टि हुई जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या तिरपन पर पहुंच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भागलपुर में एक पटना में सात रोहतास में एक सहरसा में एक और वेस्ट चंपारण में तीन मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा बीते दिन के पिछले चौबीस घंटे में कुल मिलाकर छियासी सैंपल की जांच की गई वहीं इस दौरान तीन मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बिहारी युवक के जान गंवाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक हाल ही में जम्मू कश्मीर के बड़गाम में उग्रवादियों की तरफ से किए गए हमले में बिहार के दिलखुश कुमार की जान चली गई जिसके बाद से ही हर एक बिहारी में जम्मू कश्मीर में चल रहे वारदात को लेकर गुस्सा है वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर अपना बयान भी जारी किया है जिसके तहत बीते दिन सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा की बिहार के दिलखुश कुमार जी की जान जाना बहुत ही दुखद है उनके निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रूपए दिए जाएंगे साथ ही श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं में नियमानुसार अन्य लाभ दिया जाएगा किशनगंज के परिपूर्ण कछुदाह झील में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास पिकनिक स्पॉट के नाम से मशहूर यह झील पक्षी प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं जिससे यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है किशनगंज मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह पर वर्ष के मौके पर स्थानीय पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है पटना में हुई चार करोड़ की लूट बिहार में इन दिनों लुटेरों ने काफी ज्यादा हुदंग मचा रखा है ऐसा ही एक वाक्य बीते दिन राजधानी पटना में देखने को मिला जब गर्दनीबाग थाना अंतर्गत अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी के ठीक सामने स्थित आई आई एफ एल गोल्ड लोन कंपनी के कार्यालय में शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई चार की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने कार्यालय के लॉकर से आठ किलोग्राम सोना लूट लिया जिसकी कीमत लगभग चार करोड़ से अधिक बताई जा रही है इस दौरान नटेरो ने गार्ड समेत कंपनी के चार कर्मियों को और एक महिला ग्राहक को बंधक भी बना लिया था साथ ही गार्ड के पिस्टल के बट से सिर पर भी वार किया था घटना की सूचना पर सिटी एसपी अमरीश राहुल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी अब इस मामले में लगातार पूछताछ जारी है बिहार में एनएसजी कमांडो चाय वाला आया चर्चा में बिहार में इन दिनों चाय वालों की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है बीते कुछ दिनों से चाय वालियों की चर्चा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही थी वहीं अब सरकारी नौकरी कर रहा चाय बेचने वाला सुर्खियों में करीब आठ दिन से गोपालगंज के मोहनिया चौक के पास ठेले पर चाय बेच आ गया है यह एक जवान है और इसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि चाय बेचने वाले मोहित पांडे बेरोजगार नहीं बल्कि एनएस कमांडो है वो भी दिल्ली में कार्यरत है उनके चाय के ठेले पर कमांडो चाय वाला लिखा हुआ है जो हर किसी को चाय पीने के लिए अपने पास खींच रहा है कमांडो उनचालीस दिनों की छुट्टी लेकर घर आए हैं जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सिंहासिनी गांव निवासी जितेंद्र पांडे के बेटे मोहित पांडे पिछले आठ दिनों से मोहनिया चौक स्थित समाहरणालय के पास मसालेदार चाय की दुकान चला रहे हैं अपने चाय वाले ठेले पर कमांडो चाय वाला अड्डा लिखा हुआ है और बोर्ड लगा हुआ है जो चाय दुकान की शोभा बढ़ा रहा है जम्मू कश्मीर मामले को लेकर राम सूरत रॉय ने दिया बयान बिहार सरकार के मंत्री रहे राम सूरत रॉय ने जम्मू कश्मीर में जान लेने की वारदात पर अपना बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यदि कोई हमारे एक आदमी की जान लेगा तो हम सौ लोगों को गिरा देंगे इसके साथ ही बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा की अब जमु, जमुई में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाएगा इस मौके पर उनके साथ भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह भी थी मंत्री राम सूरत रॉय मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए जमुई पहुंचे थे इस मौके पर उनसे में हो रही वारदात के बारे में पूछा गया था नगर पालिका चुनाव में वार्डो के परिसीमन के साथ मतदाता सूची में गड़बड़ी बताने का मौका बिहार में इन दिनों नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है वार्डो के परिसीमन के साथ ही अब मतदाता सूची पर भी काम चल रहा है इस बीच शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पोर्टल तैयार कर दिया है इसमें आम लोगों से लेकर मतदाता भी घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं आयोग ने समाधान पोर्टल बनाया है जिससे अब चुनाव से जुड़ी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकेगा आयोग ने कॉल सेंटर बनाए हैं जिसका नंबर भी जारी कर दिया गया है समाधान पोर्टल को नगर और मतदाता सूची के निर्वाचन से संबंधित कोई सूचना पाने के लिए तैयार किया गया है ध्यान रहे इस पर शिकायत सुझाव या फिर सूचना देते समय नागरिकों को इससे संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे झारखंड के पलामू में लगेगी लालू की चौपाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चौपाल झारखंड के पलामू में तीन दिनों तक लगने वाली है इसको लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर से झारखंड में तैयारियां शुरू हो गई है होटल में कमरे बुक होने लगे हैं और लालू प्रसाद यादव छह जून से तीन दिनों तक पलामू में रहने वाले हैं लालू प्रसाद यादव सात जून को पूरे दिन पलामू परिसदन में गुजारेंगे जो की वो आठ जून को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश होंगे मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव छह जून की शाम चार बजे के करीब हेलीकॉप्टर से पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर उतरने हैं उसके बाद वो परिसदन जाएंगे और वहाँ पूरी रात बताएंगे लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर पलामू पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है जदयू ने किया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का विरोध अब बिहार में जातिग जनगणना को स्वीकृति मिलने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग शुरू हो गई है इस मांग को भाजपा के मंत्री ने उठाया है हालांकि अब भाजपा के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने साफ किया है कि जातीय जनगणना तो ठीक है लेकिन अब बिहार में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात पर जोर दिया की ये बेहद जरूरी है और इस कानून को लाए बिना बिहार का विकास संभव नहीं है जिस पर ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कहा है की बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव जल्द ही जारी करेंगे सीएम नीतीश की रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड को जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जारी करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल रविवार को बिहार के नीतीश कुमार सरकार के अब तक के काम पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीते दिन विचार विमर्श भी हुआ उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष ने बताया की संपूर्ण क्रांति दिवस आरोप महागठबंधन के रिपोर्ट कार्ड जारी करने की पहल करने वाला है इसमें आंकड़ों के साथ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रहेगा सरकार की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी साधा सीएम नीतीश पर निशाना बिहार में जनसुराज अभियान की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर ने बीते दिन एक बार फिर से जदयू को निशाने पर लिया है जिसके तहत उन्होंने शराबबंदी कानून के नाम पर सरकार का जमकर घेराव किया जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा की बिहार में शराबबंदी के नाम पर केवल छलावा किया जा रहा है बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता से इतने दूर हो चुके हैं कि ना तो उन्हें जनता की कोई बात सुनाई देती है और ना ही कोई चीजें दिखाई पड़ती है बिहार में शराब पर रोक लगाना पूरी तरह से फेल है प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन इसका असर राज्य में कहीं नहीं दिख रहा इसके बावजूद नीतीश कुमार इस बात को मानने को तैयार नहीं है जातीय जनगणना पर 500 करोड़ खर्च किए जाने के सवाल पर भाजपा ने साधी चुप्पी बिहार में हाल ही में नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की बात तो स्वीकार की जिसके बाद ही बिहार में जातीय जनगणना करवाए जाने की कवायद तेज हो गई है चूँकि नीतीश सरकार ये जनगणना अपने खर्चे पर करवाने वाली है ऐसे में मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि इस पर 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा और बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये बहुत बड़ी राशि है इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने बीते दिन भाजपा से सवाल पूछा तो भाजपा ने इस मामले में चुप्पी साध ली आपको बता दें की बीते दिन बिहार में भी भाजपा नेता सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे इस दौरान ही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो इस मामले में किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज लालकृष्ण अडवाणी ने 2005 में कराची में मोहम्मद जुना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया हरियाणा सरकार ने 2008 में पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पिछाड़ते हुए बराक ओबामा ने 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की हिंदी फिल्म अभिनेत्री बीना रॉय का जन्म उन्नीस में हुआ रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का जन्म उन्नीस में हुआ था हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक नूतन का जन्म उन्नीस में हुआ आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अनचन्त लक्ष्मीपति का निधन उन्नीस में आज ही के दिन हुआ था विराट को लेकर मोहम्मद अजरुद्दीन ने दिया बयान कहा विराट से लोगों को बहुत उम्मीद है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बल्ले से आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी नवंबर 2019 में निकली थी इसके बाद से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को उनके इकहत्तरवे इंटरनेशनल सेंचुरी का इंतजार है विराट भले ही पिछले ढाई सालों में सैकड़ा ना लगा पाए हो लेकिन उन्होंने कुछ अहम मौकों पर अर्धशतक जरूर ठोके हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का मानना है की लोगों की विराट से अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है की इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली फॉर्म में वापसी जरूर करेंगे कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार केंद्र ने छह राज्यों को लिखी चिट्ठी देश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है बड़े समय बाद देश भर में चार हजार ऐसी ज्यादा मामले बीते दिन रिकॉर्ड किए गए जिसमें मुंबई में मिलने वाले कोरोना केसेस ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है इसी बीच अब कोरोना के अधिक मामलों वाले राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है इनमें तमिलनाडु केरल तेलंगाना कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में इन राज्यों को निर्देश दिया है की सभी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोरोना के मामलों की निगरानी करे ताकि संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग ऐसी ट्रैक किया जा सके केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को कोरोना के मामलों की निगरानी और टेस्टिंग जारी रखने के साथ साथ नमूनों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जारी रखने का निर्देश दिया है अब व्हाट्सएप पर एक बार में देख सकेंगे सभी अनरीड चैट। व्हाट्सएप ने चैट फिल्टर फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है ताकि आप अपनी सभी अनरीड अनरीड चैट चैट को तुरंत देख सके फिल्टर शुरुआत में व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप पर बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है हालांकि भविष्य में डेस्कटॉप वर्जन के के साथ साथ Android और आईओएस लिए भी व्हाट्सएप पर रेगुलर यूजर के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है व्हाट्सएप को अलग से यूजर को पोल रिजल्ट दिखाने की क्षमता पर काम करते हुए देखा गया है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म रिलीज के जरिए विंडोज में फोटो और वीडियो के लिए व्यू वंस फीचर का भी टेस्टिंग कर रहा है अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव तीन जून को बाईस कैरेट के लिए प्रति दस ग्राम अड़तालीस हजार एक सौ अस्सी रूपए था वहीं चौबीस कैरेट के लिए प्रति दस ग्राम बावन हजार पांच सौ पचास रूपए था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो बासठ हजार सात सौ रुपए था इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत एक सौ सात दशमलव तीन आठ रूपए प्रति लीटर और डीजल के अंठानवे दशमलव पाँच छे रूपए प्रति लीटर थे बिहार में उच्च शिक्षा के भद्द पिटने के बाद शिक्षा मंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात बिहार में भले ही नीतीश सरकार शिक्षा को लेकर खूब दावे करती आई हो लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इससे आप भी बखूबी वाकिफ होंगे वहीं बिहार में उच्च शिक्षा के भद्द पिटने के बाद शिक्षा मंत्री ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात की ज्ञात हो हाल ही में मगध विश्वविद्यालय में लेट सेशन को लेकर छात्र छात्राओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री से इसकी शिकायत की और उनसे गुहार लगाई की सेशन को ठीक किया जाए लेकिन शिक्षा मंत्री इस पर उचित जवाब नहीं दे पाए इससे छात्र छात्राएं नाराज हो गए मामले को तुल पकड़ता देखी बीते दिन ये मुलाकात हुई साथ ही इसके लिए शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा है शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को लिखे पत्र बताया कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को विलंब से चलाने से आप अवगत है पिछले दिनों कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय लगातार बंद कर... रखने से कठिनाइया पैदा हुई है कल हमारे ने हमें हर्ष बबिता यादव पप्पू कुशवाहा महिपाल यादव निशा सिंह गौतम कुमार मनोज कुमार रवि कुमार महिपाल सिंह प्रेम कुमार अरविंद कुमार मनीषा कुमारी विजय घायल आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल आज का सवाल कुछ इस प्रकार आपके अनुसार बिहार में जातीय जनगणना करवाने के फैसले का श्रेय आप किसे देंगे अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद